हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रामवीर सिंह विधूरी, जो बदरपुर विधानसभा से विधायक भी हैं और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर, क्यों कर रहे हैं सर? आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मकसद क्या है इसका? अरे भाई, जब अरविंद केजरीवाल नई शराब नीति लेकर आए थे तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये नई शराब नीति दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर देगी, दिल्ली शराब की नगरी बन जाएगी, इसको आप वापस ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने हमारी सलाह को मानने से इनकार कर दिया, शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, और जिन क्षेत्रों में जो रिहायशी क्षेत्र है मास्टर प्लान के मुताबिक या कानून के मुताबिक जहां शराब के ठेके नहीं खुल सकते थे, उन क्षेत्रों में भी 300 शराब के ठेके खोलने का फैसला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका जमकर विरोध किया, धीरे धीरे शराब के ठेके बंद होने शुरू हुए और अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और अब उसकी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि 3,000 करोड़ रुपए का घाटा तो दिल्ली सरकार को हुआ है और इसमें लगभग 5-6,000 करोड़ रुपए का घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है। शराब के ठेकेदार ये बात कह रहे हैं और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया है। तो मैं आज अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, लगातार एमसीडी में की बात करें, एमसीडी में लगातार कहा जा रहा है, आप पे आरोप लग रहा है, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो मेयर बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए, 24 तारीख को आपने अगर दिल्ली नगर निगम के सदन का नज़ारा देखा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद उनके विधायक पीठासीन अधिकारी की आसन पर चढ़ जाते हैं, टेबल तोड़ देते हैं, माइक तोड़ देते हैं। भाजपा के जो पार्षद हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके ऊपर हमला करते हैं। हमारे कई महिला पार्षदों को चोट आई, एक हमारे पार्षद को उनकी पैर की हड्डी टूट गई। कागजों को फाड़ देते हैं, नारेबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और शपथ नहीं होने देते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको वहाँ से खाली हाथ लौटा दिया। तो इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूँ कि 6 तारीख मुकर्रर हुई है मेयर के चुनाव के लिए, डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए, और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स चुने जाने वाले हैं। वो अपने पार्षदों को और जो उनके 13 विधायक हैं उनको ये डायरेक्शन दे कि मेयर के चुनाव को, डिप्टी मेयर के चुनाव को ठीक ठाक तरीके से संपन्न होने दें। सर, लास्ट सवाल, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जो ये प्रदर्शन है शराब घोटाले को लेके, इसके आगे आपके क्या रणनीति होगी? जब तक अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं हो जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे रामवीर सिंह विधूरी जी, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के बाद अपना इस्तीफा देना चाहिए। अभिषेक नयन, ABP News, दिल्ली।